मैं पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर की यात्रा पर गया था। वहाँ शंकराचार्य मंदिर है, काफी ऊंचाई पे सीढ़ी से चढ़ना पड़ता है और सीढ़ी चढ़ते वक्त वहाँ प्यास लगती है। वहाँ पे एक बहुत ही खुशी की बात दिखी, जो वहाँ कहीं पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। जब हम लोग नीचे उतरे मंदिर से नीचे, तो एक इतना अद्भुत चीज दिखा जो हमारे बिहार के सचतक फाउंडेशन के मनीष कश्यप भैया के द्वारा किया गया है। वहाँ पानी पीने का ठंडा और गर्म दोनों तरह का व्यवस्था था और कहीं व्यवस्था नहीं था, मात्र एक वही व्यवस्था था, जिसको लेके हम लोग को काफी अच्छा लगा, काफी गौरवान्वित महसूस किया हम लोग कि जो सन ऑफ बिहार हमारे मनीष भैया है, और आगे बढ़ें और अच्छा करें, और इसके लिए हम लोग हृदय से उनका धन्यवाद करते हैं। और अच्छा कीजिए, बहुत अच्छा लगा कि हमारे बिहार के रहने वाले मनीष भैया कश्मीर में पानी का व्यवस्था किए, इससे बड़ा बात कुछ नहीं हो सकता है। वहाँ शंकराचार्य मंदिर में जब मैं ऊपर गया, वहाँ एक से एक लोग आते हैं और मंदिर का दर्शन करने के बाद, ऊंची चढ़ाई चढ़ने के बाद जब प्यास लग जाती है, कहीं पानी नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ देखे हम कि सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप भाई ने जो काम किया है, वो तरीके का नहीं है, उसकी कितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, आज तक किसी ने नहीं किया। वो देखे हम कि हम मनीष भैया वहाँ पे पानी के लिए ठंडा और गर्म हर टाइप का व्यवस्था किए हैं, जो काबिले तारीफ है। बहुत खुशी हुई कि मेरे बिहार के रहने वाले मनीष भैया के द्वारा भी वहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था की गई। बहुत गौरवान्वित हम लोग महसूस कर रहे हैं मनीष भैया को लेके, जो कि बिहार के रहने वाले हैं और वहाँ जम्मू कश्मीर में इस तरह का उम्दा काम किए हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत दिल से बधाई, और आगे बढ़ें, हम लोग का सहयोग रहेगा। और बहुत खुशी हुई इस चीज़ को देख के, और भी आगे बढ़िए और भी अच्छा काम कीजिए, इसके लिए शुभकामनाएं। मनीष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद इस काम के लिए।